भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी गए, सुंदर सुंदर लीला हैं। वैसे द्वारका जाकर भगवान ने अपनी लीलाएं पूरी की, उसके बाद पांडव भी परीक्षित को राजा बनाकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। जब परीक्षित को राजा बनाया उस समय परीक्षित की आयु 15 वर्ष की थी, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि महाराज आप सब जा रहे हो, मैं अकेला बालक भला कैसे राज्य संभालूंगा इतना बड़ा राज्य। तो धर्मराज जी ने एक बहुत बड़ा बीज मंत्र दिया, धर्मराज ने परीक्षित को, सावधानी से सुन लो वो बीज मंत्र, हम नहीं देते हैं उन्हें अपने बच्चों को, कितने गजब का बीज मंत्र है। उन्होंने कहा बेटा तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, तुम अकेले नहीं हो। जिन्होंने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी वो तुम्हारे साथ, जिन्होंने लाक्षाग्रह में हम पांचों पांडवों को, हमारी मां कुंती को बचाया था, वो कृष्ण तुम्हारे साथ। दुर्वासा के साप से जिन कृष्ण ने हमको बचाया था वो कृष्ण तुम्हारे साथ। अरे और तो और क्या कहें, जिन्होंने तुम्हारी गर्भ में रक्षा करी थी वो कृष्ण तुम्हारे साथ। जो गर्भ में तुम्हारी रक्षा करेगा वो पल पल तुम्हारी रक्षा करेगा। वैसे परीक्षित की तरह हम सब भी हैं, हम सब की रक्षा भी भगवान ने गर्भ में भी की थी, नहीं तो वहां पल पल मृत्यु हमारा इंतजार करती, इतने दुख इतने कष्ट होते हैं वहां, पर भगवान हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा की उन्होंने, बोले संसार में कभी भी तुम अकेले नहीं हो, जब मन करे उस त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश को याद करना, वो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम